लखीमपुर हिंसा के तीन वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दौड़ती गाड़ियां हैं, कराहते किसान हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने साफ कर दिया है कि इन वीडियो से उनका और उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष इन वीडियो को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। और अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यही 3 अक्टूबर की सच्चाई है या फिर सच इससे भी ज्यादा विचित्र है। मोदी जी नमस्कार, इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। लखीमपुर खीरी की खूनी हिंसा पर मचे बवाल के बीच सामने आए वायरल वीडियो ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो 3 अक्टूबर की हिंसा का है। हालांकि हम इस कथित वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जैसा इस वीडियो में नजर आ रहा है, अगर वैसा है तो बात बहुत गंभीर है। क्योंकि जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है उसमें किसान प्रदर्शन करते नजर आते हैं। तभी एक थार प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदती हुई गुजर जाती है। कई प्रदर्शनकारी जमीन पर कराहने लगते हैं। तभी कुछ सेकंड के बाद एक और काले रंग की फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार में आती है, जमीन पर पड़े घायलों को कुचलते हुए निकल जाती है। अब इस वायरल वीडियो को हथियार बनाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आप नेता संजय सिंह, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इसके अलावा एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक के बाद एक 3 गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ती हुई नजर आती हैं। पहले एक थार गुजरती है, फिर काले रंग की फॉर्च्यूनर और आखिर में सफेद रंग की स्कॉर्पियो। गाड़ियों की स्पीड एकदम हाई मोड पर है, जबकि सड़क के दोनों ओर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये तीसरा वीडियो देखिए, इसमें युवक जीप का दरवाजा खोलकर भाग रहे हैं, जबकि कार के पहिए के नीचे एक शख्स कराह रहा है। अब जरा इन वायरल वीडियो का पूरा सीक्वेंस आपको समझाते हैं। ये वीडियो काफिले के गुजरने का है, जबकि ये वीडियो प्रदर्शनकारियों को रौंदने का बताया जा रहा है। वहीं ये आखिरी वीडियो हिंसा के दौरान गाड़ी छोड़कर भागने का हो सकता है। इन वायरल वीडियो को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष से जोड़कर बताया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस वीडियो से उनका और उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं। किसी भी धारा में FIR हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीजें स्पष्ट कर रही हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से। देखिए, FIR के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। FIR तो कोई भी किसी भी व्यक्ति पर दर्ज कर सकता है, लेकिन मुझको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। जो दूध का दूध पानी का पानी होना ही होना है। लेकिन ये वायरल वीडियो अनकही अनदेखी सच्चाई बताते हैं। अब ये सच्चाई कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो लखीमपुर घटना के वीडियो से कुछ दिन पहले का है। 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला?
10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। इस वीडियो का जिक्र प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। जब LIU रिपोर्ट थी, उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और वहाँ के स्टेट होम मिनिस्टर उनका क्षेत्र था, पुलिस को पूरी जानकारी थी और जिस तरह का वीडियो क्लिप आया है स्टेट होम मिनिस्टर का, वो भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सबक सिखा सकते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था लागू करने की, जिनकी जिम्मेदारी कानून से काम करने की, वो भड़का रहे हों और अगले ही दिन या आने वाले समय में उनके बेटा, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के निकलते हैं और किसानों की हत्या कर देते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। लखीमपुर की हिंसा कैसे भड़की, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस वक्त इससे भी बड़ा सवाल ये है कि लखीमपुर में शांति कैसे स्थापित हो, क्योंकि लखीमपुर की अशांति के बाद पूरे प्रदेश में सियासी क्रांति शुरू हो गई है। लखीमपुर खीरी से नवीन अवस्थी के साथ विवेक त्रिपाठी, APP गंगा।